हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं होते हैं? तो ये पिछड़े वर्ग के लिए नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा होता है? तो यहाँ पे जुकाम जो है वो वायरस द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, उपसभापति को देगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊपर के चार क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? तो सबसे कम ऊंचाई की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। फ्रेंड्स, 20-day सीरीज प्लीज प्लीज जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग, जो फिर अभी अभी हमने लेयर पढ़ी थी ट्रोपोस्फीयर, ये सारी चीजें इसके रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 20-day सीरीज में दे रखी है। तो प्लीज एक बार अपने एग्जाम से पहले 20-day सीरीज जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत अवस्थित है, तो ये सबको पता है, बहुत ही सिंपल है, समताप मंडल में। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद पर प्रचार करना, तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदे के सिक्के निर्गत किए किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर है बी, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में के मध्य है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कर्नाटक और तमिलनाडु के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है टेनिस से। नेक्स्ट है, भूकंप की तीन तरंगों में सर्वाधिक विध्वंसकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, एल तरंग। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो उसने सबसे पहले घोषित की थी 1920 के नागपुर अधिवेशन में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल केंद्र से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कब करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन हो रहा होता है तब करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्य का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी वे कौन थे? तो वो थे छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दीवाने इश्तिहाक की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी रजिया सुल्तान ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बोडो, नागालैंड, गद्दी, हिमाचल प्रदेश, खासी, मेघालय, मिकिर, अरुणाचल प्रदेश, ये जातियां हैं, आपको बतानी है जाति कहाँ कहाँ की हैं और इसमें से कौन सा गलत है। तो मिकिर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, ऑप्शन डी ये गलत है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? बहुत सिंपल है, बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, अरावली, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी? तो इसका राइट आंसर है सी, 2026 तक, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
और किस तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि किस चीज का यहाँ पे बोल के बारे में कहा गया था कि 20-26 तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और वो कितनी संख्या है वो भी आपको बतानी है, वो कितनी संख्या यहाँ पर उन्होंने फिक्स की है। अंकोर वॉट कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है डी, कंबोडिया में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो है राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व की चिड़िया घर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सवाना प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में जिससे मुद्रा स्फीति नापी जाती है वह क्या है, तो उसका यहाँ पे उसको हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने समय में पृथ्वी के पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे, तो ये जाने जाते थे मंगल ग्रह, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, किस में खर्च किया जाता है, तो ये किया जाता है पेट्रोलियम के आयात पर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है कृष्णा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है क्या है, तो वो है गोदावरी। नेक्स्ट है, अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है बी, 46, और यहाँ पे अगर उनके जोड़े पूछे जाएं तो 23, ठीक है, यहाँ पर जोड़े नहीं बोला गया है इसलिए 46 है, और जोड़े आएंगे तो आपको 23 लिखना है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 23 भी दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है गुणसूत्रों की संख्या, और जोड़े पूछे जाए तो आपको 23 बताने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी सूची है, तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान में सूची की, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, 3 सूची है, ठीक है, वो 3 कौन कौन सी है वो आपको बतानी है, एक मैं आपको बता देती हूँ समवर्ती सूची, ठीक है, और कौन कौन सी है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है, तो ये मिलती है हमारी ऋग्वेद में। वेदों से रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, उसके ऊपर भी मैंने 20 डे सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार प्लीज 20 डे सीरीज जरूर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अलग से भी जाके देख लीजिएगा, जो भी आपको थंबनेल मिलता है वहां पे 8 नंबर से पहले की जितनी भी वीडियोज हैं वो हमारी 20 डे सीरीज से रिलेटेड है, तो आप देख लीजिएगा, ऊपर अलग से मेंशन किया हुआ है 20 डे सीरीज, ठीक है, और उसमें बताया हुआ है कि थर्ड डे सीरीज है, आज की 4th डे सीरीज है। नेक्स्ट है, विश्व में रेशम उत्पाद में अग्रणी राष्ट्र कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट है, तोउस किस देश का समाचार पत्र है, तो इसका राइट आंसर है ए, ईरान का। नेक्स्ट है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो ये चर्चित पर्व है तमिलनाडु का, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अकबरनामा किसने लिखी है, तो अकबरनामा यहाँ पे बात करें तो ये लिखी है अबुल फजल ने, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, ये मैंने आपको कल भी बताया था फ्रेंड्स, एक नाम मैंने कल बताया था और उन्होंने जिनके साथ किया था उनका आपको यहाँ पे बताना है नाम, तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परामर्श यात्री समिति। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, कुर्ग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़। नेक्स्ट है, खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि है हमारा पटना। कमागट मारू ये क्या है? तो इसकी बात करें तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है, तो ऑप्शन डी राइट है। तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो ये यहूदियों की पवित्र पुस्तक का नाम है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड लास्ट है आज के वीडियो का, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको कुछ डिफरेंट मिले होंगे, कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो से आपको नई चीज सीखने को मिली होगी। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।